बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है चिकन पुलाव की रेसिपी। तो चिकन पुलाव आपने कई तरीक़ों से बनाए होंगे, तो आप इस तरीके से भी बना के देखिए, देखिएगा कितना ज़बरदस्त हमारा ये चिकन पुलाव बनकर रेडी होगा और आपके चावल भी बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो आप इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना है। तो इसकी रेसिपी को हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है और इसमें मैं आधा कप घी शामिल कर दूँगी। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन घी में चावल बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें मैंने दो मीडियम साइज़ की स्लाइस में कट की हुई प्याज डाल दी हैं। तो अब हम इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो गोल्डन कलर आ चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा बस पानी डाल देंगे और ये देखिए जितना हमें कलर क्वाइट है वो आ गया है। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें चिकन डाल देंगे। यहाँ पर चिकन जो है वो मैंने हाफ़ के जी ली है, तो इसको साफ़ करके तो मैंने छलने में डाल दिया था, वो शामिल कर दिया है। अब चिकन का कलर चेंज होने तक हमने इसको पका लिया है। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, तो इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 3 अदद टमाटर और 5 से 6 अदद हरी मिर्ची कट करके। तो अब हम टमाटर को गल जाने तक पका लेंगे चिकन के साथ। तो टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें आधा कप दही का शामिल कर देंगे। दही को मैंने फेंट लिया है, दही को शामिल करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो दही का पानी साथ साथ ड्राई होगा, तो हम इसमें मसाले डाल दें। 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिल्ली फ्लेक्स। तो चिल्ली फ्लेक्स मैंने 2 टीस्पून डाली है, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर और ये 1 टीस्पून है खुश्क धनिया का पाउडर। तो अब इन मसालों के साथ हम चिकन को 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। तो यहाँ पर मसाले जो हैं अच्छी तरह से भुन चुके हैं, अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चावल लिए हैं, तो मैं यहाँ पर 4 कप पानी शामिल कर दूँगी। तो अब बॉयल आ गया है, तो अब हम इसमें 2 कप चावल शामिल कर देंगे। चावलों को मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो दिया था, जैसे सेला चावल नहीं है बासमती चावल हैं। तो इनके साथ हम बना रहे हैं आज चिकन पुलाव। तो आप देखिएगा कितने ज़बरदस्त ये बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो अब इसमें हम बहुत ज़्यादा चम्मच भी नहीं मारेंगे। तो अब हम इसमें साबुत वाला गर्म मसाला इसमें शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। तो इसको पानी ड्राई होने तक हमने पका लिया है, तो अब हम इसको दम लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। मैंने इसको दम लगा दिया था, तो ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन पुलाव बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिले। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।